सीएम सिटी करनाल नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े बार बगैर लाइसेंस के अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं और करनाल में एक्साइज विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे यहां बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं। करनाल के हाईवे पर दाना पानी में खुला पॉस बार पिछले 3 महीने से अवैध तरीके से बगैर लाइसेंस के चल रहा है। एक्साइज विभाग सरकार को मिलने वाले राजस्व का नुकसान करा रहा है और खाना पूर्ति के लिए पिछले 3 महीने में एक बार चलान किया गया है। कहीं ना कहीं एक्साइज के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। जब मीडिया ने अधिकारियों से बातचीत की तो बात को गोलमोल करते हुए अधिकारी नजर आए। कोई नहीं उसके है ना, अगर अभी और कंप्लेंट आएगी तो उसकी कार्रवाई करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसको करीब करीब होगा 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन अप्लाई होगा, क्योंकि पहले हमें पता नहीं कि मैं हम भी हाँ कंप्लेंट होती है कार्रवाई करते नहीं कम वैसे की जाती है, अगर हमारी नॉलेज में आ जाता है मैटर तो करते कार्रवाई करते हैं, तो उस पर जो भी उसके चलान होता है हमारा जो लिखकर होगी उसको सरो करके उसको सीज करके पहले किया गया तो फिर चलान कर देंगे। अब सील तो नहीं, जब रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट को हम सील तो कर नहीं सकते, हम चलान कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बाहर नहीं चल सकता, लिख कर हम उसको पकड़ के अपने जुर्माना लगा सकते हैं, वो प्रोविजन DT साहब के पास होता है। एक दो बार चलान कर चुके हैं उसका, थोड़ी थोड़ी शराब मिली, थोड़ी थोड़ी हमें जब रेड की तब कभी 10 बोतल कभी 15 बोतल ऐसी इस तरह की मिली। ऐसा है पहले भी 2 चलान हुए हैं और दोबारा चेकिंग करके दोबारा उसको चलान करके जो भी सील की कार्रवाई होगी जैसे भी होगा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसको आज चेकिंग करके जैसे भी होगा आज चेकिंग करवा लेंगे, उसके जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के तहत की जाएगी। पहले 1 या 2 बार हो चुका है चलान।